नमस्कार, आपके साथ मैं सोनाली और आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल राज्य से जुड़ी खबरें। फिरौती की रकम नहीं देने पर क्लास 10 की दो छात्रों की गला दबाकर हत्या कर दी गई। यह घटना है पश्चिम बंगाल राज्य के कोलकाता के निकट बागुईहाटी इलाके की। पुलिस ने इस सिलसिले में चार लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। इधर हत्या की घटना से गुस्साए लोगों ने अभियुक्त के घर में जमकर तोड़फोड़ की। पश्चिम बंगाल राज्य के मुख्यमंत्री एवं तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बैनर्जी के परिजनों की वर्ष 2011 के बाद संपत्ति में कितनी वृद्धि हुई है, इस मसले को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट में दायर किया गया था जनहित याचिका। कोलकाता हाईकोर्ट में मामले को दी स्वीकृति और 4 सप्ताह के अंदर हलफनामा जमा करने का आदेश दिया। एक निजी संस्था द्वारा देशव्यापी सोने की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। प्रतियोगिता की शर्त थी कि आपको 100 दिनों तक लगातार 9 घंटे तक सोना पड़ेगा। इस प्रतियोगिता में पश्चिम बंगाल की हुगली जिले के श्रीरामपुर की रहने वाली त्रिपर्णा हुई विजयी। त्रिपर्णा को मिला 6 लाख रुपए का नगद पुरस्कार। सोने के लिए हर वक्त परिवार की खरी खोटी सुनने वाली त्रिपर्णा को सोकर ही मिला 6 लाख का पुरस्कार। कोलकाता हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिया निर्देश, 28 सितंबर तक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टेट में उत्तीर्ण 54 परीक्षार्थियों को नियुक्त किया जाए। कोलकाता हाईकोर्ट के जज अभिजीत गंगोपाध्याय के निर्देश के बाद 54 परिवारों में खुशी की लहर। पश्चिम बंगाल राज्य के कोलकाता समेत जिला स्तर में बढ़ रहा है डेंगू का प्रकोप। अब तक 2 लोगों की मौत डेंगू से हो चुकी है और राज्य में अब तक लगभग 7,000 लोग डेंगू से संक्रमित हुए हैं। राज्य स्तर पर डेंगू के बढ़ते प्रकोप को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। पश्चिम बंगाल ने DRI ने गुप्त सूचना के आधार पर सिलीगुड़ी से 29 पीस सोने के बिस्किट बरामद किए एवं इस सिलसिले में म्यांमार के रहने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। बरामद किए गए सोने का बिस्किट का बाजार मूल्य 2,42,00,000 रुपए बताया गया है। वर्ष 2022 में गुजरात राज्य के चर्चित बिल्किस बनो सामूहिक बलात्कार कांड के 11 आरोपियों को मुक्त करने के प्रतिवाद में अखिल भारतीय महिला तृणमूल कांग्रेस की ओर से 48 घंटे का धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। यह धरना प्रदर्शन कोलकाता के गांधी मूर्ति के पास दिया जा रहा है। भारी बारिश से आई बाढ़ ने पश्चिम बंगाल राज्य के मुर्शिदाबाद जिले के शमशेरगंज और मालदा जिले के विभिन्न गांव के रहने वाले लोग काफी संख्या में पलायन कर रहे हैं। बताया जाता है कि गंगा नदी के किनारे रहने वाले ये लोग गंगा नदी के कटाव के कारण इस पलायन की समस्या का सामना कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि वर्षा के कारण कई घर ढह गए हैं, बाकी बचे लोग अपने सुरक्षा के कारण पलायन करते दिख रहे हैं। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए पब्लिक टाइम्स, योर वॉइस आवर मिशन। नमस्कार। शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को YouTube पर करें सब्सक्राइब।